श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हरिओम नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हरिओम नारायण 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 सच्चो सत्राम श्री कृष्ण शरणम नमः ज्ञान निर्जय भागवत रहस्य से संचरित सूक्ति संकलन प्रवक्ता पूज्यपाद श्री रामचंद्र केशव डोंगरी जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्ञान निर्जर श्रीमद् भागवत महात्म्य आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में तथा बाह्य सुखा में खोज रहा है। मनुष्य में ज्ञान आता है किंतु वह टिकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करने के लिए ही मनुष्य का जन्म हुआ है। मंदिर में भगवान का दर्शन करके बाहर आने के बाद सब प्राणियों में भगवान के दर्शन करो। जीव नारायण का अंश है, उसी में इसको मिल जाना है। मनुष्य अत्यधिक विलासी हो गया है, अतः ज्ञान मार्ग से उसका ईश्वर के पास पहुंचना कठिन हो गया है। सुंदर भवनों और भोग विलास में लिप्त रहने वाले व्यक्ति उपनिषदों के अधिकारी नहीं। जो काम सुख में लीन हैं, वे योगा अभ्यास नहीं कर सकते। भोगी यदि योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो रोगी बन जाएगा। प्राणी का प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। घर में रहना पाप नहीं है, किंतु उसके भीतर अति आसक्ति पाप है। यह भक्ति का समय है, यह भोग का, इस प्रकार का भेदभाव रखने वाला प्राणी भक्ति नहीं कर सकता। माया के साथ अधिक प्रीति न हो जाए, इसके लिए सदैव सतर्क रहो। भगवान का सिमरन करते रहो, उसी की सलाह मानो। प्राणी जो कुछ करे सब ईश्वर के लिए करे तो सभी उसकी सभी क्रियाएं भक्ति बन जाती हैं। भगवान का वंदन केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी करो। वंदन भगवान को प्रेम बंधन में बांधता है। वंदन भगवान को प्रेम बंधन में बांधता है। दुख में साथ देने वाला ईश्वर होता है, सुख में साथ देने वाला मनुष्य। घर से बाहर निकलो तो भगवान का वंदन करके निकलो। भगवान की कृपा रहे तो जीव विषयासक्त नहीं होता। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में भगवान का सिमरन करो।
पढ़ने लिखने और विचारने की अपेक्षा प्रत्येक उपदेश को जीवन व्यवहार में उतारना श्रेष्ठ है। मृत्यु अवश्यंभावी है, एक दिन तो काल का आक्रमण होगा ही। सातों दिन में से कोई एक दिन अपनी मृत्यु के लिए निश्चित है ही। इसीलिए राजा परीक्षित की तरह काल को न भूलो। भगवान का आश्रय लेने वाला भय मुक्त हो जाता है। मृत्यु के भय से भगवान में प्रीति बढ़ती है। निरंतर काल का भय मनुष्यों को पाप कर्मों से निवृत्त रखता है। जिसने काम वासना पर विजय पाली, जिसने काम वासना पर विजय पाली है उसे मृत्यु भय नहीं रहता। भगवान में मन लगाए बिना काम क्रोधादि विकार नष्ट नहीं होते। धीरे धीरे मृत्यु की तैयारी करो। मृत्यु को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। मृत्यु का सुधार आंख, मन, वाणी एवं धन का सदुपयोग करने से होता है। सतत उद्योग करने से रिद्धि सिद्धि घर में निवास करती है। प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन करो। जब तक लौकिक संबंधों की स्मृति बनी रहेगी, ईश्वर में आसक्ति नहीं होगी। वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है। अत्यधिक प्रिय वस्तु को अर्पित करने से भगवान अपने ऊपर प्रसन्न होते हैं। वासना और भोगों की वृद्धि से संसार विष तुल्य हो जाता है। जीवन में संयम तथा सदाचार न हो तो पुस्तकों का ज्ञान कुछ काम नहीं आता। मितभाषी व्यक्ति सत्यवादी होता है। मन को सदा पवित्र रखो, कारण मृत्यु के बाद भी मन साथ ही जाने वाला है। मेरी प्रत्येक इंद्रिय भगवान को अर्पण करनी है। एकादशी के दिन इस भाव को अपनाओ। भागवत की कथा ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य को बढ़ाती है। भूख प्यास को सहन करने की आदत डालो। देह रूपी भवन में भगवान को स्थापित करने के लिए आंख और कान प्रवेश के द्वारा देह रूपी भवन में भगवान को स्थापित करने के लिए आंख और कान प्रवेश द्वार के समान है। आंख और कान दोनों को पवित्र रखो। परमात्मा जिस स्थिति में रखे, उसी में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। भगवान को देहार्पण करने से प्राणी का कल्याण होगा। जिन हाथों से
भगवान की सेवा एवं परोपकार नहीं होता, वे हाथ मृतक के हाथ के समान है। वे हाथ मृतक के हाथों के समान है। संध्या करने से बुद्धि तेज बढ़ती है, संध्या करने से बुद्धि का तेज बढ़ता है। सच्चो सत्राम श्री कृष्ण शरणम नमः। ज्ञान निर्जय भागवत रहस्य से संचरित सूक्ति संकलन।